स्वागत है दोस्तों आज आपका चैनल पर। यूनिवर्स ओरिजिन को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए देखते हैं ड्रीम इलेवन के बारे में। प्रेडिक्शन क्या होगा, कौन सा टीम जीतेगी, कौन सी टीम फाइनल में आएगी, साथ ही में टॉस एनालिसिस, पिच रिपोर्ट और वेदर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। दिल्ली कैपिटल रविवार 8 नवंबर 2020 को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के क्वालिफायर दो मैच में शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। चलिए तो जानिए आज कौन जीतेगा दिल्ली कैपिटल बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज का मैच भविष्यवाणी से। लीग में अभी दो खेल बाकी है, 5 टीमों को खत्म कर दिया गया है। 3 टीमें बनी हुई हैं जो परम वैभव को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकती हैं। मुंबई इंडियंस पहले से ही फाइनल में है और उन्हें क्वालिफायर नंबर 2 के विजेता का इंतजार है। उन्होंने पहले क्वालिफायर में दिल्ली की राजधानियों को पराजित किया था, लेकिन डीसी शीर्ष 2 में परिष्करण के सौजन्य से इसे फाइनल में बनाने का एक अतिरिक्त अवसर है। सनराइजर्स हैदराबाद ने एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को एक संकीर्ण अंतर से हराया। उन्होंने अब लगातार 4 गेम जीते हैं। सभी 4 खेलों में उन्होंने टूर्नामेंट की शीर्ष 3 टीमों को हराया है। दूसरी तरफ पिछले 6 मैचों में से डीसी को 5 में हार मिली है, इसलिए एसआरएच ने उनके साथ गति हासिल की है। यहां हमारा आईपीएल 2020 डीसी बनाम एसआरएच टुडे मैच भविष्यवाणी है। यहां ऐसे मामले हैं जो आज के क्वालिफायर 2 आईपीएल 2020 डीसी बनाम एसआरएच मैच भविष्यवाणी जीतेंगे। केस 1, अगर दिल्ली कैपिटल पहले बल्लेबाजी करता है, पहली पारी की भविष्यवाणी दिल्ली की राजधानियों का स्कोर 150-160 होगा। परिणाम की भविष्यवाणी एसआरएच 5 विकेट से मैच जीतेगी। केस 2, अगर सनराइजर्स हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करता है, पहली पारी स्कोर भविष्यवाणी सनराइजर्स हैदराबाद 145-155 स्कोर करेंगे। परिणाम की भविष्यवाणी डीसी 4 विकेट से मैच जीतेगा। डीसी बनाम एसआरएच के लिए आंकड़े जो भविष्यवाणी से मेल खाते हैं। ऐसे कई कारक हैं जो आज के मैच की भविष्यवाणी के लिए बहुत मायने रखते हैं। हमारे विशेषज्ञ गेम से संबंधित विभिन्न कारकों जैसे हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, मौसम की स्थिति, टीम फॉर्म आदि का विश्लेषण करते हैं। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो डीसी बनाम एसआरएच भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज आईपीएल मैच डीसी बनाम एसआरएच के लिए पिच रिपोर्ट। अबू धाबी में एलिमिनेटर गेम भी खेला गया। यह एक धीमी सतह थी जिस पर बल्लेबाजों को गेंद को समय देना मुश्किल लगता था। स्पिनरों ने दोनों पारियों में बड़ा प्रभाव डाला। एक बार फिर इसी तरह की स्थिति प्रस्ताव पर हो सकती है। आईपीएल मैच डीसी बनाम एसआरएच के लिए मौसम का पूर्वानुमान। पूरे टूर्नामेंट के दौरान 3 स्थानों में से किसी में भी स्थितियां बहुत अधिक नहीं बदली हैं। रविवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा जबकि आर्द्रता 56% रहने की उम्मीद है। आइए अब देखते हैं ड्रीम इलेवन टीम क्या होना चाहिए। कीपर में आप ऋषभ पंत के साथ ना जाए, क्योंकि आप जानते हैं कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं दे रहे हैं तो आपको लॉस ही होगा। रिद्धिमान साहा को जरूर रखें। पिछला मैच वह नहीं खेले थे पर ये वाला मैच जरूर खेलेंगे। बैट्समैन में आप डेविड वॉर्नर को जरूर रखें। साथ ही में शिखर धवन अच्छा खेलते दिखेंगे, उनके साथ श्रेयस अय्यर और केन विलियमसन को भी रखें। अजिंक्य रहाणे फिर से आपको रन बनाते हुए दिखेंगे। ऑलराउंडर में आप दो बेस्ट ऑलराउंडर जेसन होल्डर और मार्कस स्टॉइनिश को, दोनों अच्छे फॉर्म में है, साथ ही में अच्छी बॉलिंग और बैटिंग भी करते हैं। बॉलर में आप किंगोसो रबाडा को जरूर रखें। आप अगर राशिद खान को रखने के बारे में सोचेंगे तो आपको पॉइंट कम हो जाएंगे, तो उनको ना ले, उनकी जगह पर आप टी नटराजन को शामिल करें। साथ ही में आप शाहबाज नदीम को रखें। कप्तान और वाइस कप्तान में आप डेविड वॉर्नर और शिखर धवन को शामिल कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको आईपीएल 2021 के ऐसे बढ़िया एनालिसिस और परफेक्ट भी मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद। हे व्यूअर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।